नमस्कार, आप है नेशन भारत के साथ में राकेश। कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में अजीबोगरीब नजारे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बूथ पर तैनात पोलिंग ऑफिसर और कर्मचारी पीपीई किट पहने नजर आएंगे तो ईवीएम का बटन उंगली के बजाय टूथपिक से दबाया जाएगा। बूथ के बाहर गोल घेरे होंगे जिसमें शारीरिक दूरी बनाकर वोटर खड़े होंगे। चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए कुछ ऐसे ही इंतजाम करने की तैयारी कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होंगे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को तय समय पर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को खूब माथापच्ची की और इसमें ऐसे सुझाव निकल कर सामने आए। इसके बाद आयोग ने दिशा निर्देशों का मसौदा पूरा तैयार किया। और आइए आपको ये बताते हैं कि चुनाव आयोग बिहार में कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए कौन से इंतजाम करने पर विचार कर रहा है। दरअसल कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मतदान कर्मी पीपी किट पहनकर बैठेंगे। ईवीएम का बटन दबाने के लिए उंगली का इस्तेमाल नहीं होगा। वोटरों को टूथपिक से बटन दबाने को कहा जाएगा या फिर बटन दबाने के लिए दस्तानों का इंतजाम किया जाएगा। मतदान केंद्र के बाहर थर्मल स्कैनर लेकर मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक होने के बाद ही बूथ में वोटरों को प्रवेश करने दिया जाएगा। वोटरों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बूथ पर गोल घेरे बनाए जाएंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वोटरों को उन्हीं घेरे में खड़ा होने को कहा जाएगा। और उधर चुनाव आयोग ने बिहार के सभी सियासी दलों से चुनाव को लेकर 31 जुलाई तक अपनी राय देने को भी कहा है। आयोग ने इन बिंदुओं पर सभी दलों से राय भी मांगा है। चुनाव प्रचार या सभा के दौरान मास्क का पहनना अनिवार्य कर दिया जाए। चुनाव प्रचार के दौरान शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन किया जाए। इसी के साथ साथ किसी भी सभा में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने पर रोक लगाई जाए। जहां भी चुनाव प्रचार हो वहां थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम हो, ये कुछ बिंदु हैं। और इसी के साथ साथ हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या भी कम कर दी जाए। आयोग के सचिव एंटी भुटिया ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक इन मसौदों पर सुझाव मांगा है। सभी पार्टियों की राय जानने के बाद आयोग दिशा निर्देश जारी कर सकता है। मसौदे के मुताबिक सभी कर्मचारियों और चुनाव काम में लगे लोगों को मास्क और दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, चुनाव कार्यालयों और पोलिंग बूथों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। राजनीतिक दल बड़ी रैली नहीं कर पाएंगे। चुनावी समय में किसी तरह के सामाजिक समारोह और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। स्क्रीनिंग सख्ती से होगी और भीड़ रोकने के लिए व्यापक नियंत्रण सिस्टम लागू किया जाएगा। तो कुछ इस तरह बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बेशक चुनाव तो होना ही है, लेकिन जो तैयारी है कुछ बड़ी तैयारी है ताकि कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव पर इसका असर न पड़े और चुनाव के कारण कोरोना संक्रमण न फैले। दोनों को बखूबी जो बैलेंसिंग है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो मसौदे तैयार किए जा रहे उस पर तमाम राजनीतिक दलों से राय मशवरा मांगे जा रहे हैं और दिशा निर्देश उसके बाद जो है आगे का जारी किया जाएगा और बहुत ही जल्द हो सकता है इसकी घोषणा भी हो जाए। और तिथि की अगर बात की जाए तो उसकी भी जल्द घोषणा हो जाएगी जब मसौदे तैयार हो गए हैं और जब राय विचार आ जाएगा तो उसके बाद जो भी फाइनलाइजेशन है चुनाव को लेकर उसको भी फाइनल कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।